बच्चों, तो जिन्होंने भी प्यारा सा बुधा चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके लिए क्या आपके एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं। सो सबसे पहला मुझे जो मैसेज मिला है, दैट यू नीड टू कंट्रोल योर लाफ, यू नीड टू कंट्रोल योर स्माइल। मतलब वो अगर आपको कभी सीरियस सिचुएशन पे हंसी आती है ना, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि जब आपको अपनी सीरियस कोई सिचुएशन चल रही है, कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है जो बहुत ही सीरियस है और आपको हंसी आ रही है, देन यू नीड टू बी मैच्योर। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स आपको बोलना चाहते हैं। एंड सेकेंड वन थिंग कि आपको जो भी बोलो कम बोलो और सोच समझ के बोलो, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। इट्स रियली वेरी फनी मैसेज कि आपको अपनी हंसी थोड़ी सी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। या प्लीज़ जिंजर स्टाइल में कि पायल नंबर 2 के जो पर्सन्स के एंसेस्टर्स हैं वो उन्हें क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ जिंजर। ओके, द एम्परर कार्ड इज हियर, द एम्परर, सॉरी एम्प्रेस, मैं एम्प्रेस बोल रही हूँ, या एम्प्रेस। ओके प्लीज एंजल्स, और क्या कहना चाहते हैं पायल 2 के व्यूअर्स के एंसेस्टर। 5 of Cups, टू ऑफ पेंटिकल्स, 1 more card एंजल्स, मैं एक और कार्ड लेना चाहूंगी, 1 more card एंजल्स प्लीज। ओके ओके दिस वन, फॉर लॉट्स ऑफ यू, यू आर वरीड अबाउट योर लव लाइफ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, रियली वेरी टेंस्ड अबाउट योर लव लाइफ, रियली वेरी वरीड। मे बी आपकी लाइफ में डार्क टाइम चल रहा है, डार्क नाइट ऑफ सॉल चल रही है, मीन्स आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपको हर्ट कर रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें में भी आप अपने लव करियर फैमिली इश्यूज़ को उनमें ही उलझे हुए हैं, या फिर ऐसा नज़र आ रहा है मुझे कि आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हो जो पर्सन आपको प्यार दे, जो पर्सन आपको वो केयर दे। आपके आपके पास हैं ऐसे पर्सन, बट यू आर नॉट सेइंग, आप देख नहीं पा रहे हैं कि आपके पास ऐसे पर्सन हैं जो आपको आपके लिए अवेलेबल हैं एट एनी टाइम, बट यू आर थिंकिंग अबाउट समवन एल्स हु इज़ नॉट प्रेजेंट, जो एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं है आपके लाइफ में। आप उसके बारे में सोच रहे हो, मे बी आप उनसे प्यार करते हो और इसी वजह से आपकी परेशानियां बहुत बढ़ रही हैं। ये प्यार नहीं हो सकता, या फिर ऐसा हो सकता करियर कि आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट यू आर नॉट सेइंग दिस अपॉर्चुनिटीज़, यू आर थिंकिंग अबाउट अनदर। तो आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, किसी और करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हैं, किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, वो आपको नहीं मिल पा रही है, एंड दैट्स व्हाई यू आर वरीड और यू आर जगलिंग इन टू थिंग्स, टू जॉब्स, टू पर्सन्स और टू सिचुएशंस जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और इसी वजह से आपकी रातों की नींद भी हराम हो रखी है। ठीक है, एम्प्रेस कार्ड ये शो करता है कि आपका जो पावर है ना, वो इस एनर्जी में नहीं है। आप जो रियल है वो ये हैं, आप एम्परर हैं, आप एम्प्रेस हैं। ठीक है, बट दिस ऑल द सिचुएशन जो आपको स्टक कर रही है, जो आपको एकदम डार्क नाइट सोल से आप जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, दिस इज नॉट योर रियल वर्जन। ये है आपका रियल वर्जन, द एम्प्रेस कार्ड, ये है आपका रियल वर्जन, जिनके पास प्यार ममता, जिनके पास अबंडेंस है, जिनके पास पीस है, जिनके पास स्पिरिचुअलिटी है, जिनके पास एवरीथिंग, जो भी इनके जो भी है
सब कुछ है इनके पास, जो भी वर्ल्ड में है सब कुछ इनके पास अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन आप इस सिचुएशन को, जो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि डियर चाइल्ड जो भी ये हो रहा है, वी नो कि आप नहीं देख पा रहे हैं कि क्यों हो रहा है, लेकिन ये जो भी हो रहा है आपकी भलाई के लिए हो रहा है, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर पावर्स, यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर एम्प्रेस पावर, एम्परर पावर। आप अपने एम्परर या एम्प्रेस के पावर से अनजान हैं। अब इस पावर में आपको लाने के लिए इन सभी लेसन से आपको गुजारा जा रहा है। एंड डोंट थिंक कि आपकी लाइफ में कोई ट्रू लव नहीं है, बिकॉज द लवर कार्ड इज हियर। तो आप अपनी लव लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा टेंसड हैं, अपने करियर के बारे में भी टेंसड हैं, और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक रहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मूव ऑन नहीं कर पाते आप किसी चीज़ से इजीली, या फिर आप अपने पास से मूव ऑन नहीं कर पाए हो। अगर आप किसी से प्यार करते थे, देन अब आप उस पास से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि आपको आपको ये लग रहा है शायद वो अभी भी वो पर्सन आ जाए, बट नो, बिकॉज गॉड इज़ प्लानिंग फॉर यू वेरी, गॉड इज़ प्लानिंग फॉर अनदर पर्सन एंड या योर एंसेस्टर्स ऑल्सो। आपके एंसेस्टर्स गॉड जो है वो किसी और पर्सन का प्लान कर रहे हैं, किसी दूसरे पर्सन का प्लान कर रहे हैं, जो आपको इतना प्यार दे, इतना आपको केयर करे, इतना आपको डिजर्व जो आपको करता है वो पर्सन आपको देने की वो ट्राई कर रहे हैं। बट आप रो रहे हो, आप परेशान हो अपने करियर की वजह से, कोई लोग आपको कुछ कह रहे हैं उसकी वजह से। सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी फर्स्ट, यू नीड टू क्लीन योर एनर्जी फर्स्ट, ओके। सो यस, हो आप में से बहुत सारे लोगों को जो बहुत ज़्यादा जिनसे भी ये सिचुएशन मैच हो रही है, यू नीड टू टेक पर्सनल रीडिंग ऑल्सो ये, ओके या। तो अगर आपकी लाइफ में जो भी ये सिचुएशनशिप चल रही है, यू नीड टू इग्नोर दिस, यू नीड टू लेट इट गो, जस्ट बिकॉज यू डोंट नो अबाउट योर पावर, यू डोंट नो अबाउट योर पावर, योर पावर इज हियर एम्प्रेस कार्ड में, आपकी पावर है। सो जो आपकी पावर है वो आपको पहचानने की ज़रूरत है। तभी क्या होगा, तभी आपके लाइफ में जो ये तीनों कार्ड, जो प्रॉब्लम, जो टेंशन, जो वरी, जो परेशानी, जो डिप्रेशन को दिखाते हैं, वो चेंज हो जाएंगे इनमें। जब आप इस चीज़ से निकलोगे, आपके पास लव भी होगा, आपके पास पोजिशन भी होगी, पावर भी होगी, ओके। सो आपके एंसेस्टर्स क्या कह रहे हैं कि डियर चाइल्ड डोंट वरी कि फ्यूचर में क्या है, क्योंकि फ्यूचर हमने आपका बहुत बेहतरीन लिख रखा है, एम्प्रेस लिख रखा है कि आपके पास सब कुछ होगा। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो सिचुएशन को लेके, किसी भी सिचुएशन को लेके, सो हम हैं आपके साथ, आप क्यों सोच रहे हो कि आप अकेले हो? वी आर प्रोटेक्टिंग यू, वी आर हेयर फॉर यू, एंड नाउ वो ये कहना चाह रहे कि हम हैं आपके पास, आपके आस पास ही हैं। आप क्यों इतने वरिड हैं? वाई यू आर वरिड? वाई? एक और कार्ड मैं आपके लिए लेना चाहूंगी, आई डोंट नो वाई, बट एंजल्स प्लीज पायल छू के लिए कोई और। ओ माई गॉड, आई वॉन्ट टू, देखो मैंने क्या बोला, ओ माई गॉड, इतनी शफलिंग के बाद भी लवक का कार्ड है यहाँ पे, ये बॉटम ऑफ द डैक, वाओ। सो या यू हैव द फैमिली, यू हैव द फैमिली जिनसे आप प्यार करोगे, उनसे शादी होने के चांसेस है, या फिर कोई ऐसा पर्सन आएंगे, एंजल्स आपकी, आपके एंसेस्टर्स आपकी लाइफ में, जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करेगा। और देखिए आपकी ये वरी, ये वरीड लाइफ है ना, ये देखो कहाँ से चले आप। आप पहले ना, आपका सोल आपको पता है कहाँ लाना चाहती है, आपकी सोल आपको एम्प्रेस पे लाना चाहती है। जब आप इन फेजेस से गुजरोगे ना, तो आपके एंसेस्टर्स ने आपके लिए क्या प्लान किया हुआ है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके एंसेस्टर्स ने आपके लिए ये प्लान किया हुआ है, ये लाइफ प्लान की हुई है आपकी लाइफ में, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये किस्मत आपको देने की सोच रखी है उन्होंने। लेकिन आप इस एनर्जी से ही बाहर नहीं निकल रहे हो, तो वो कह रहे हैं क्लीन योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। मे बी आपको रेकी सीखनी चाहिए, मे बी आपको टैरो या स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए, या फिर आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको अपने एंसेस्टर्स पे, अपने गॉड पे बिलीव करना चाहिए, व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है। दिस इज़ व्हाट दे आर, सॉरी, ये है जो वो आपको कहना चाहते हैं। सो या,
आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि यस वी नो कि आप प्रॉब्लम में हैं, आप संभाल नहीं पा रहे हो चीज़ों को। आपको कई बार ये भी मन करता होगा कि हाँ अरे इतनी ज़्यादा परेशानी है, मैं निकल जाऊँ यहाँ से, कहीं कहीं दूर भाग जाऊँ, या फिर बस इस ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दूँ। वो है नहीं, ऐसा नहीं बेटा, आपकी पिटाई करेंगे फिर वो एंसेस्टर्स आपके, हम वहाँ जाके पीटेंगे आपको ऐसे कि अरे हमने बताया था ना कि आपकी लाइफ इतनी प्यारी है, अभी ये पड़ाव है इससे गुजर जाओ, फिर इतनी प्यारी लाइफ है आपकी और आपने ये काम कर दिया। गुस्सा करेंगे आप पे। सो वॉट यू नीड टू डू, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको इस एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, एम्प्रेस की एनर्जी में, कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ अट्रैक्ट करती हूँ। मैंने क्या आया मेरे दिमाग में अभी, एंजल्स ने एकदम से टिंग से किया कि हाँ आपको अफर्मेशन जो है करने की ज़रूरत है, आपको मंत्रा चेंट करने की ज़रूरत है, यू नीड टू हेयर ब्लैक तारा मंत्रा, आपको ब्लैक तारा मंत्रा सुनने की ज़रूरत है। ओके सो लेट्स सी कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है। वेट अ मिनट, ओके ओके, यहाँ से ओरिकल डेक से लूँगी पहले। प्लीज़ इन द स्टाइल में पाइल टू के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, पाइल टू के लिए क्या गाइडेंस है, पाइल टू के लिए और क्या है जो उनके एंसेस्टर्स उन्हें क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ पाइल टू के लिए एंजल्स बताएं मुझे उनके एंसेस्टर उन्हें क्या कहना चाहते हैं, एडिशनल मैसेज। ओके द वाइट, ओके देखिए वही एनर्जी है, यू नीड टू रेस्ट, यू नीड टू टेक रेस्ट, यू नीड टू, अगर आप रेस्ट करेंगे और फिर पॉजिटिव माइंड सेट से सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अट्रैक्ट कर सकते हो, अट्रैक्शन का कार्ड है, ठीक है। सो यू नीड, द वाइट कार्ड है, सो यू नीड टू टेक रेस्ट, या बहुत ही डार्क साइड मून है, बहुत ही द वाइट कार्ड इज यार, ठीक है, द वाइट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो आपका, आपको क्या बोला जा रहा है कि वर्ल्ड कार्ड, आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, कि द डार्क मून दिख रहा है आपको, यहाँ डार्क मून लिखा हुआ है, सो यस यहाँ पे डार्क पीरियड चल रहा है आपकी लाइफ में, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, यू नीड टू टेक रेस्ट, यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू रिलीज ऑल द बर्डन, यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू कट योर लाइफ फ्रॉम द वर्ल्ड, आपको अपनी लाइफ जो है कट करने की ज़रूरत है वर्ल्ड से कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए आपको अलोन रहने की ज़रूरत है, अपने आप के साथ, गॉड के साथ, अपने एंसेस्टर्स के साथ, ठीक है। वन मोर कार्ड प्लीज एंजल्स, वन मोर मैसेज, ओके या एक्सट्रीम, देखिए एक्सट्रीम, यस आपके एंसेस्टर जानते हैं कि आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत बेहतर है। आपको क्या करने की ज़रूरत है, पीस, यहाँ पे कार्ड आया हुआ है पीस, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको जैसा मैंने कहा कुछ टाइम अपने आप को अलग करने की ज़रूरत है दुनिया से, कुछ टाइम घूमिए फिरिए कहीं, या फिर कुछ टाइम खुद को दीजिए, रेस्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, जो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। यस अपने चक्रास पे काम कर सकते हैं आप। सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, प्लीज एंजल्स टेल मी क्या मैसेज आप देना चाहते हो। प्लीज एंजल्स, ओके मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, दिस इज़ द डबल कंफर्मेशन कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे भी पीस का कार्ड आया है, और मैंने पहले भी बोला था मेडिटेशन ट्राई कीजिए, लेट गो, ओ माय गॉड, एक एक वर्ड यहाँ पे मिल रहा है वापस से कि भाई जो मैंने बोला कि लेट गो कर दीजिए चीज़ों को, लेट गो कर दीजिए तभी चीज़ें बेहतर होंगी आपके लिए। एनी मैसेज जो आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाहते हैं, प्लीज एंजल्स डाल मी, मेरे व्यूवर्स के एंसेस्टर उन्हें क्या कहना चाहते हैं। बी इन योर सेल्फ, ओ माई गॉड, मैं बहुत खुश हूँ एंजल्स कि आप एक एक मैसेज को एकदम से मिला रहे हो कि भाई अपने साथ रहे, अपने आप में रहें, ठीक है, अपने आप जो आप हैं वो रहें, सच में स्पेंड टाइम इन नेचर, ओ माई गॉड, आई मीन अब मैं क्या बोलूँ भाई,
देखो फिर से वही कि आपको नेचर में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, आपको अपने साथ रहने की ज़रूरत है. ऑल द मिसेज आर सेइंग दिस. ओके वेट अ मिनट. या यू नीड टू लर्न दिस फोर हाइएस्ट पर्पज. देखो यहाँ पे जो ये टाइम है ना, मैंने बताया था कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है आपका हाइएस्ट पर्पज के लिए चल रहा है कि आपको यहाँ पे लाया जाए. सो आपको इसको लर्न करने की ज़रूरत है, इससे फियर करने की ज़रूरत नहीं है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. सो यहाँ से मैं कुछ और चीट्स लेना चाहूँगी जो आपके एंसेस्टर्स के ही मैसेजेस होंगे जो आपको वो कहना चाहते हैं. ओके वन कार्ड. ओके 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 दिस वन एंड या एंजल्स प्लीज टेल मी. ओके Okay, I just want to take this card. Okay, two cards. Yeah. Now let's see कि क्या है मैसेज. मैच्योर करे खुद को. ओ माय गॉड, जैसा मैंने बोला था पहला ही मैसेज वही आया है जो मैंने शुरुआत में बोला कि खुद को मैच्योर करें. जो आपकी हंसी निकल जाती है सीरियस सिचुएशन पे. आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट है पहले बता दूँ मैं आपको, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि आपको समझ नहीं आ रहा है. पूर्वजों को खुश करें. देखो पूर्वजों की रीडिंग है और पूर्वजों को खुश करें ये आया हुआ है. मे बी आपका ये है कि आप एक्चुअली हमारे हिंदू धर्म में तो ये होता है कि पूर्वजों के लिए कनागत होते हैं तो उसमें अलग से खाना बनाया जाता है, जो है क्रॉस होते हैं उनको खिलाया जाता है और उसके साथ साथ उनके लिए चादर वगैरह रखी जाती हैं. तो यस, आपको ये जो भी है आपका धर्म में वो देखिए और खुश करें अपने पूर्वजों को. यू आर ब्यूटिफुल. दे आर मैसेज फॉर यू कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं. डोंट वरी. एंड या मम्मो का. यू आर माई आई शाइन. तो आपके एंसेस्टर कहना चाहते हैं कि आप उनके आईज की शाइन हैं, या फिर आपके जो एंसेस्टर जिनसे आप बहुत प्यार करते थे वो आपको कहना चाहते हैं कि आप मेरे आईज की शाइन हैं और मैं नहीं चाहता कि आप इन टेंशन में रहें. ठीक है. या सो लेट दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल मैसेजेस बिकॉज मैंने एक एक जो वर्ड बोला वो फिर से एंजल्स ने कन्फर्म किया है. सो ये बहुत सारे लोगों से मैच होगी. फिर ये मैच होती है देन कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा एंड लाइक कीजिएगा वीडियो को. ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू आप सभी का. लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा. लव यू ऑल. बाय. टेक केयर.